आज हम बात करेंगे आईपीएल के 42nd मैच के बारे में, जो कि होने वाला है कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच में, जहां एक तरफ कोलकाता सेकंड पोजीशन में है और काफी कंफर्टेबल दिख रही है टू क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स, वहां दूसरी तरफ पंजाब का स्ट्रगल अभी बाकी है। उन्हें और भी मैचेस जीतने पड़ेंगे टू रीच दैट स्टेज जहां से वो क्वालिफाई कर सके। तो इस मैच से रिलेटेड सारे स्टैट्स सारे नंबर्स मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। चलिए बात करते हैं हेड टू हेड की। अब दोनों टीम्स के बीच में हुए हैं 32 मैचेस, जिनमें से कोलकाता ने जीते हैं 21 मैचेस और पंजाब ने जीते हैं 11 मैचेस। अब बात करेंगे पिच रिपोर्ट की। तो ईडन गार्डन्स हमेशा से जाना गया है एक बैटिंग पिच के लिए और स्पिनर्स को थोड़ी बहुत मदद भी मिल जाती है। इस मैच में भी हम यही उम्मीद करेंगे कि ये बैटिंग फ्रेंडली पिच ही हो और हाई स्कोरिंग मैच हो, ताकि ऑडियंस के लिए ज्यादा एंटरटेनिंग रहे। और जो भी कैप्टन टॉस जीतता है, दे शुड लुक टू बैट फर्स्ट, ताकि वो अच्छा सा स्कोर बोर्ड पे डाल के उसको डिफेंड कर सके। Now we talk about the players to watch out for Kolkata Knight Riders, it's Sunil Narine। अब सुनील नरीन का प्रदर्शन इस IPL में बहुत ही बेहतरीन रहा है। अब जब से उन्होंने ओपनिंग करना स्टार्ट किया है, तब से लेके अब तक उनके सारे मैचेस में स्कोर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे रहे हैं और वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बॉलर्स को खेल भी रहे हैं। तो इसीलिए फॉर KKR इट्स सुनील नरीन। फॉर पंजाब किंग्स इट्स शशांक सिंह। जिस तरीके से शशांक सिंह ने अपना पहला IPL टूर्नामेंट खेला है, लग नहीं रहा है कि ये उनका पहला डेब्यू सीजन है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने बॉलर्स को खेले हैं और उनके सामने कोई भी बॉलर टिक नहीं पाया है। ऐसे बहुत सारे मैचेस हैं जहां शशांक सिंह ने ही पंजाब को जिताया है। तो इसीलिए फॉर पंजाब किंग्स इट्स शशांक सिंह। Now we'll talk about the players battle। तो पहला बैटल है हमारा आंद्रे रसेल वर्सेज अर्शदीप सिंह। अब आंद्रे रसेल ने 13 बॉल्स पे 24 रन स्कोर किया है, जबकि अर्शदीप ने एक बार आउट किया है। द नेक्स्ट बैटल इज बिटवीन श्रेयस अय्यर वर्सेज हर्षल पटेल। हर्षल पटेल के 9 बॉल्स पे अय्यर ने बस 7 रन किए हैं, जबकि हर्षल ने उन्हें 2 बार आउट किया है। द नेक्स्ट बैटल इज बिटवीन सैम करन वर्सेज सुनील नरेन। अब सुनील नरेन के 23 बॉल्स पे सैम करन ने किए हैं 39 रन, जबकि सुनील नरेन ने उन्हें बस 1 बार आउट किया है। लास्ट बैटल इज बिटवीन लियाम लिविंगस्टन वर्सेज वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती के 6 बॉल्स पे लिविंगस्टन ने किए हैं 7 रन, जबकि वरुण ने उन्हें बस 1 बार आउट किया है। Now we talk about the upcoming milestones. So Shreyas Iyer is just 34 runs away from completing his 3000 IPL runs. The next player is Liam Livingston. He is just 67 runs away from completing his 1000 runs in the IPL. The next player is Shikhar Dhawan. He is just 1 catch away from completing his 100 catches in the IPL. The next player is Nitish Rana. He is just 13 runs away from completing his 4500 runs in T20 cricket. अब वक्त आ गया है आपको दो फैंटेसी टीम्स देने का। तो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ दो कॉम्बिनेशन ऑफ फैंटेसी टीम्स, उनमें से एक चूज कर लीजिए अपने हिसाब से। हमारी पहली टीम है फिल सॉल्ट विकेट कीपर, श्रेयस अय्यर, शशांक सिंह, आंकृष रघुवंशी, आंद्रे रसेल वाइस कैप्टन, सुनील नरेन कैप्टन, सैम करन, लियाम लिविंगस्टन, कगिसो रबाडा, हर्षल पटेल एंड हर्षित राणा। पहली टीम पसंद ना आए तो कोई बात नहीं, आप दूसरी टीम भी ले सकते हैं। हमारी दूसरी टीम है फिल सॉल्ट विकेट कीपर, वाइस कैप्टन, श्रेयस अय्यर, शशांक सिंह, आंकृष रघुवंशी, आशुतोष शर्मा, आंद्रे रसेल, सुनील नरेन, सैम करन कैप्टन, लियाम लिविंगस्टन, कगिसो रबाडा, हर्षल पटेल। आपके सामने दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ फैंटेसी टीम्स आर रेडी, यू कैन चूज वन फॉर योरसेल्फ। इसके अलावा सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है, तो इस वीडियो को पूरा देखें, और कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो क्रिक ट्रैकर के वेबसाइट में जाना ना भूलें। और आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।